पाकिस्तान से आए हैं जी। आप पाकिस्तानी हिंदू हैं? जी पाकिस्तान हिंदू आए हुए हैं। अच्छा, आपका यहाँ सर के साथ मिलने का या यहाँ आने का क्या कारण है? कारण ये है कि जो पाकिस्तान में ऐसी हालात है, एक हिंदू नहीं और जो भी रह रहे हैं ना सब दुखी हैं। ऐसा पाकिस्तान का हालात हो गया, महंगाई हो गई है और जो उग्रवादी हैं वो भी ऐसे ऐसे सबसे ऐसे गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि भाई जो ना हमारे जो ना एक ही हमारा भारत देश है और हम जो ना हमारे बच्चे लेके हम भारत में चले जाएं। तो जब भी हमें वीज़ा लेके राजस्थान से हम मुनाबाव से हमने ट्रेन से आए, तो आया तो हम इधर दिल्ली की वीज़ा थी, दिल्ली में आए तो हमारे को सर मिल गए जो हम इसे हमारे दुख की बात कही कि हमारे को इतनी इतनी दिक्कत हैं। तो सर ने हमारी बहुत सारी मदद करी है, हमारे के रहने की व्यवस्था करी है और जो भी पहले पहले हमें दुखी हालत में व्यवस्था करी वो हमारी बहुत सर ने करी है। अच्छा, जो पाकिस्तान से आप यहाँ पे अच्छे जीवन की तलाश में? ना ना, अभी जो हमें इधर जो रह रहे हैं सुखी हैं। हाँ, इधर हमारी सरकार मजबूत है और इधर जो रह रहे हैं हम चैन भर के सो रहे हैं, कोई हमारे को दिक्कत नहीं है। अच्छी बात है। और सर से आपका उन्होंने क्या मदद की आपकी? सर थोड़ा बताएं। हाँ, सर के जो मदद हमारी करी है वो खान पीन की भी मदद करी, जो पहले दिक्कत थी आई थी तो, और दूसरे जो हमारे बॉर्डर पे आए थे ना तो हमारे बच्चों के जो ने वो गहने थे वो उन्होंने जब्त कर लिए थे। तो सर के हमने बोला कि ये हमारी मदद कर सकता है, तो हमने इसके साथ जो सारी हमारी बात करी तो सर ने हमारी बहुत सारी मदद करी है और जो हमारी गोल्डन में मुनाबाव तक हमारे साथ चला और हमारे को जो हाथों हाथ हमारे बच्चों के गोल्डन दिलवा दिए, इतनी मदद करी है हमारे सर। तो आज आप लोग राखी सेलिब्रेट करने आए हैं? हाँ, तो आज खुशी का दिन है और राखी के त्योहारे में तो अभी दो दिन है, 15 तारीख है, हम पहले आ गए कि जो ना हमें खुशी से जो ना पहले मिल जाएगी। सर सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इनके साथ? ये भी है और भी पाकिस्तानी वहाँ पे, देखिए हालात तो पूरे पाकिस्तान के खराब है और वो वहाँ का जो निज़ाम है, ये मेरा ऐसा मानना है कि 14 अगस्त 1947 से लेके आज तक 2019 तक वहाँ पे मिलिट्री रूल चल रहा है, कभी घोषित और कभी अघोषित। मैं पाकिस्तान गया था, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस वगैरह वगैरह उन लोगों से मिला, वहाँ पे क्या देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद फौजियों से घिरा हुआ है, वो चाहे एक्स सर्विस मैन या सिटिंग सर्विंग सर्विस मैन। एक होटल में हम लोग रुके हुए थे, हिंदुस्तानी भारतीय डेलीगेशन एक जगह रुका हुआ था, तो एक सर्व करने वाला पैरा जो था वो बार बार आके हमारे सिर पे खड़ा हो जाए, हमें कोई बात ही ना करने दें आपस में। एक ज़्यादा मेरा कोई पाकिस्तानी पत्रकार था वहाँ पे, तो मैंने कहा ये उसको 2-3 बार कहा भाई हम बात कर रहे हैं, आप ऑर्डर दे दिया, आप क्यों यहाँ खड़े? तो हमने कहा ये देखिए ऐसे मिसबिहेव कर रहा है, इसकी मैं कंप्लेंट करूँगा। वो पाकिस्तानी पत्रकार हंस पड़ा आगे से, बोला कोई फायदा नहीं। तो उसने मुझे तो बताया कि देखिए ये जो है ये रिटायर्ड फौजी है जो यहाँ पे अभी वो करता है और इस होटल में 25% ऑलरेडी एक्स फौजी है, तो ये अपने बॉस को भी रिपोर्टिंग करता है और पैरेलल रिपोर्टिंग ये जो यहाँ पे इसका ऑफिसर होगा फौज का उसको भी करता है होटल में। तो मतलब पाकिस्तान की फौज की नज़र हर सिविलियन दफ्तर में, हर सिविलियन जगह पे है, और जिस टाइम चाहे वो उसको, जब 25% तो ऑलरेडी वो हैं, वो अंदर की हर बात जानते हैं, और इसी तरह चाहे उनकी रेलवे हो, चाहे वो जिस हाल पे भी है, रेलवे जितनी भी चल रही है या रुकी हुई है जिस भी हाल में है, तो उसकी स्थिति ये है कि वो ऑलरेडी वहाँ पे हैं और वो जो आर्मी है उसमें जो वर्चस्व है वो पंजाब का वर्चस्व है, वो बलूचियों को सिंधियों को या यहाँ से जो गए हुए हैं जिन्हें वो महाजर कहते हैं उनको भी वो थर्ड डिग्री फोर्थ मतलब उनको
आप उनके सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास को सिटीजन के वो उनको इंसान ही नहीं मानते। तो वहाँ का पंजाब पंजाबी पठान कॉम्बिनेशन है, वो ना बलूचियों को इंसान मानते हैं, ना जिन्हें वो महाजिर कहते हैं उन्हें इंसान मानते हैं, ना सिंधियों को इंसान मानते हैं। और जब गुस्सा फूटता है तो उसमें हिंदू जो है वो पर्टिकुलर टारगेट हो जाता है, क्योंकि उसमें एक पैरेलल पाकिस्तान इज रूल्ड बाय अल्लाह, आर्मी एंड अमेरिका, फिर ये रूल पाकिस्तान। अब अमेरिका तो खैर पीछे हो गया, अमेरिका के अगर चाइना ने लेने की कोशिश करी तो उसको भी, मगर अल्लाह वालों ने, यानी जहाँ का मुस्लिम वो है एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने चाइना को भी ज़्यादा आगे नहीं आने दिया। तो कहने का मतलब है वहाँ पे सब, तो इनके विशेष तौर से, अब इनके पास जो वहाँ का मुसलमान है उसके लिए तो जाने के लिए बहुत देश है, इनके पास ले दे के कि भारत का जब हालात बिगड़ेंगे, हिंदू होने के कारण ये टारगेट बने, या वहाँ पे हालात ऐसे हो जाए, भुखमरी हो जाए, खाने को कुछ नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो भी लोग वहाँ से पलायन करेंगे, चाहे हिंदू हो चाहे कोई हो, कहीं लेना हो देना हो मुसलमान हो। अब ये है कि इनके लिए भारत सबसे अच्छी सुरक्षित जगह है, यहाँ पे इनका धर्म भी सुरक्षित है, इनका कल्चर भी है, तो हम सब भारतीयों का एक दायित्व है कि हम इनके साथ खड़े हों। और एक चीज़ मैं फिर कहना चाहता हूँ, जैसे कहते हैं पाकिस्तानी हिंदू या बहुत कुछ ये करा जाता है, इनका सिटीजनशिप का जो हम केस डाला था वो उसमें हम लोग थे, हमारा ये कहना है कि ये पाकिस्तानी नहीं है, इन्होंने भारत को नहीं छोड़ा, भारत ने इन्हें छोड़ा। ये एक आदमी अपने खेत में हल चला रहा था, आप समझिए वो खेत भारत में था, एक दिन वो सुबह उठता है तो पता लगता है वो भारत नहीं है, पाकिस्तान है। तो उसने कौन सा भारत छोड़ा, भारत ने अपना वो हिस्सा छोड़ा। दे आर द प्रिजनर्स ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, जिसमें इनका कोई रोल नहीं था, ना ये पाकिस्तान बना सकते थे, ना ये रोक सकते थे, ये तो अपने खेत में हल चला रहे थे। तो अब अगर उन्हें कोई पाकिस्तानी ही नहीं मानता, या उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उन्हें मारा जाता है हिंदू होने के नाते, तो भारत जो एक हिंदू बहुल क्षेत्र है, जैसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, जहाँ पे जो हिंदुओं का स्थान है, वहाँ पे ये हमारे भाई आएंगे, और नेचुरली जो पाकिस्तानी भी वहाँ से निकल रहे हैं, मुसलमान भी वहाँ से निकल रहे हैं, उसका जहाँ मौका मिल रहा है, ईरान में अगर शिया ईरान में निकलने की कोशिश कर रही है, जहाँ भी उसको मौका मिल रहा है वो कर रहे हैं, इसी तरह ये भी आए हैं। और इनसे कई बार मेरी बात होती है, कहते हैं कि हम अपने उस देश को भी हंसता फूलता देखना चाहते हैं जहाँ पे हम कभी पैदा हुए थे, उस धरती से अपने लगाव, जड़ों से लगाव तो हर एक को होता है, चाहे ये जाएँ वहाँ चाहे ना जाएँ, अब ये आगे इनके बच्चे यहीं रहे क्या होगा वो एक अलग चीज़ है, ये भविष्य की बात है, वो भविष्य की बात है। मगर एक उस धरती से ये भी कहीं ना कहीं अपने किसी मुसलमान दोस्त को भी मिस करते होंगे, ऐसी बात नहीं कि 100% इनके खिलाफ ही थे, और वो भी टारगेट बन रहे हैं, मुस्लिम्स भी टारगेट बन रहे हैं, तो हाँ ये विशेष टारगेट बनते हैं, क्योंकि इनका डबल क्राइम है, एक तो ये पाकिस्तान में पैदा हुए, एक तो इनके ये क्राइम है, ऊपर से हिंदू हैं, दूसरा क्राइम, तो दे आर डबली unfortunate.